ಸತ ಸಂಗತಿ ದುರ್ಲಭ ಸಂಸಾರ ನಿಮಿಷ ದಂಡಭರ ಏಕೋವರ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ವತಿ ಜೀವನ ಮೇ ಜೋ ಸತ್ ಸಂಗ ಹೇ ಪಾರ್ವತಿ ಯೇ ಬಡಾ ದುರ್ಲಭ ಹೇ ಅಗರ ಜೀವನ ಮೇ ಕಹತೆ ನಾ ಏಕ ಘಡಿ ಆಧಿ ಸೇ ಪುನಿ ಆತ್ तुलसी सत संगत में नास्ते कोटि अपराध। अगर जीवन में संतों का संग कहते एक घड़ी नहीं बल्कि आधी से पुण्य आद। अगर इतना समय अगर जीवन में सत्संग मिले तो पार्वती जीवन का सारे पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए हे पार्वती जगत में सत्संग बड़ा कठिन है जीवन में। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कहते संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। कहते एक तो संतों का संग है और दूसरी जो भगवान की कथा है ये दो चीज जगत में बड़ा दुर्लभ है। देखो आज हमें दो चीज मिल रहा है कि नहीं, भक्तों का संग भी मिल रहा है और भगवान की कथा भी हमें सुनने को मिलता है। इसलिए समझो आज हमारी बहुत बढ़िया दिन है, बहुत अच्छा दिन है। अभी प्रश्न होता है अब ये सत्संग को इतने दुर्लभ क्यों बताया, हमें ये सत्संग से मिलता है क्या, जो कि इतने गोस्वामी जी कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सो। कहते बिनु सत्संग विवेक ना होई, जब तक जीवन में सत्संग नहीं हो तब तक जीवन में विवेक नहीं होता है। और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, जब तक भगवान राम की कृपा नहीं होना जब तब तक ये जीवन में साधु संग भी हमें नहीं मिलता है। अगर जीवन में कहीं सत्संग मिल गया तो फिर क्या समझो, ये समझो संसार का सारे दुख कष्ट हमारे खत्म हो गए और ये संसार में हमें आना नहीं पड़ेगा। हनुमान का नाम जानते हो कि नहीं, जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए गए तो उन्होंने देखा, अब रामायण पढ़े होंगे, अभी तो सब जगह में भगवान राम जन्म लेने वाले हैं, इसलिए हनुमान जी जब लंका में पहुंचे सोच रहे हैं उतर तो उतर कहाँ पर, क्योंकि चारों तरफ में राक्षस है, लंका में पूरी राक्षस है। अभी सोच रहे उतरे तो उतर कहाँ पर, हटा तो उन्होंने कि तुलसी की बाग देखा। बोले लंका में तुलसी की बाग कहाँ से आ गई, तुलसी बगीचा तो किसी भक्तों के घर में होता है, किसी भक्तों के घर में ये तुलसी का पौधा होता है, ये लंकापुरी में कहाँ से आ गई। हनुमान केवल तुलसी की बगीचा को देख कर उतरे। इसलिए देखना हमारी हिंदू हमारे सनातन धर्म में सबके सब घर में तुलसी पौधा लगाते हैं, है कि नहीं। तुम लोगों घर में किसको घर में तुलसी पौधा है, हाथ उठा, सबके घर में। अगर ये तुलसी पौधा आएगी ना, समझो हनुमान जी एक दिन तुम्हारे घर में भी आ जाएंगे, हैं। और भगवान जब ये दुनिया छोड़ कर गए, पानी अभी कथा सुनो, अभी कहीं मत दो, तुम भी बैठ जाओ, पानी वहीं रख लो। इसलिए ये तुलसी की पौधा है, इसलिए क्योंकि साधारण वृक्ष नहीं तुलसी पौधा है, ये तुलसी को साधारण पेड़ मत समझो, ये साक्षात माँ लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी। इसलिए देखना सालग्राम के साथ में तुलसी की शादी होती है, देखेगी नहीं, क्योंकि ये लक्ष्मी है। और भगवान जब ये दुनिया छोड़ कर गए, अपने आप को कहाँ छोड़ कर गए, तुलसी वृक्ष में। हम कहते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों, बोले बांके बिहारी, बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वरना मतलब जहाँ तुलसी का वन वही ठाकुर जी हैं, वही ठाकुर जी है। इसलिए ये तुलसी कोई साधारण वृक्ष नहीं है। अभी कोरोना आया ना, जो रामदेव ने जो कोरोना जो दवा निकाले हैं, देखना उस तुलसी के जूस से, तुलसी के पत्ते से ही उन्होंने कोरोना की। मतलब अगर दो दो तुलसी पत्ता खाओगे ना, कभी कोरोना तुमको नहीं आएगी। इसमें इतने मेडिसिन है तुलसी वृक्ष में, इसलिए कोई साधारण वृक्ष नहीं। इसलिए हनुमान जी वहाँ पर उतरे, हनुमान जी उतर करके फिर उन्होंने एक आश्चर्य चीज देखा। बोले क्या देखा, बोले घर को ना सामने लिखा हुआ श्री राम, क्या लिखा हुआ, बोले मेरे प्रभु का नाम कहाँ से आ गया। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, घर को सामने है ना, घर का मकान का नाम अपना नाम पर नहीं देनी चाहिए, नाम देनी चाहिए ठाकुर का नाम पर देनी चाहिए, क्योंकि घर किसने दिया है, किसकी कृपा से मिली है, किसकी कृपा से मिले, ठाकुर जी की कृपा से मिले हैं। इसलिए अपना नाम नहीं लिखनी चाहिए, लिखनी चाहिए राधा कृष्ण निवास, नहीं तो राधा निवास, राम सीता निवास, ये सब ठाकुर का नाम पर रखनी चाहिए घर का नाम। इसलिए उन्होंने देखा घर को सामने क्या लिखा हुआ, श्री राम।
फिर देखा शंकर चक्र गदा पद्म चिन्ह, बोले ये तो सबके से मेरे प्रभु का चिन्ह है, हैं? लगता है इसमें कोई भक्त जरूर रहता है, कोई जरूर भगवान की भक्त रहता है घर में। तब उन इतने में हनुमान जी देखा ऐसे होना, मेरे को भ्रमित करने के लिए कोई ये सब चीज सब प्रकट नहीं कर दिया। इतने में हनुमान जी सूक्ष्म रूप में अंदर में प्रवेश किया, और प्रवेश किया तो देखा कौन सोया हुआ, कौन था बता? हाँ, विभीषण। और देखा उसकी रोम रोम से श्री राम श्री राम श्री राम, रोम रोम से प्रभु का नाम निकल रहा था। बोले ये जरूर प्रभु का कोई भक्त है, हैं? फिर तो हनुमान जी को साथ में विभीषण का साक्षात्कार हुई, फिर अपना अपना परिचय दिया। लेकिन विभीषण का जो पता चला, ये राम के सबसे प्यारे भक्त श्री हनुमान जी। देखो विभीषण की बहुत बड़ी बात कहता है, बोले आज मैं भा भरसा हनुमंता, बिनो हरि कृपा बिना मिलई नहीं संता। लगता है मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई विशेष कृपा है, क्यों? आज मेरे हनुमान जी से साक्षात्कार हुई। और हनुमान जी कौन है? राम के सबसे प्यारे भक्त है। जैसे देखो वहाँ राम दरबार लग गया ना, राम की चरण में हनुमान जी बैठे हुए, बैठे हुए कि नहीं है? राम की चरण में हनुमान जी बैठे हुए हैं। बोले अगर हनुमान जी की भेंट हो गया, मतलब है भगवान से मिलने का और कोई देर नहीं, जल्दी से जल्दी हमें ठाकुर जल्दी जल्दी मिलेंगे, है? इसलिए यहाँ तुलसी दास कहते हैं कि अगर जीवन में किसी भक्तों का संग अगर प्राप्त हो गया, ये समझो ये संसार का कष्ट हमारे खत्म हो गया है, और हमें ये संसार चक्र में हमें और भोगना नहीं पड़ेगा, और कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। यही जीवन है, ये हमारा अंतिम जीवन है, इसको बाद में जरूर हमें भगवत प्राप्ति होएगा ही, क्योंकि राम कृपा बिनु सुलभ नाश होई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होना, तब तक ये भक्तों का संग हमें नहीं मिलता है। अभी प्रश्न होता है, भैया क्यों ये सत्संग की इतने दुर्लभता क्यों, किस लिए ये सत्संग की इतने महिमा किस लिए बताया गया, कारण क्या है? देखो इसका कारण सुन, ध्यान देकर सुनो। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर आपको बाद में पूछूंगा आपने क्या सुने हो, आपको फिर पूछूंगा आपने क्या सुने, ठीक है? मन लगा कर सुनो, क्यों शास्त्र में सत्संग की इतने महिमा क्यों बताए, एक छोटी सी कहानी सुन लो। मतलब एक समय कोई एक राजा था, कहते राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। राजा बड़े दुखी है भविष्य में ये सिंहासन को कौन संभालेगा। जब एक संत आए, बोले महाराज सब ठीक ठाक है ना? बोले क्या ठीक ठाक, घर में कोई औलाद नहीं, भविष्य में राज सिंहासन को कौन संभालेगा, इसलिए बाबा थोड़ा आशीर्वाद करो जैसे घर में एक बेटा की जन्म हो जाए। जब उन्होंने ये बात बताए, कहते ना जो ना करे लकीरी कहते सो करे फकीरी, समझ रहे हो? जो ना करे लकीरी सो करे फकीरी, लकीरी मतलब होता है भाग, कहते तुम्हारी भाग्य में जो नहीं है, फकीरी मतलब होता है भक्त, तुम्हारी भाग्य में जो नहीं है, अगर सचमुच से कोई साधु की कृपा हो जाए ना, तो भाग्य को संत बदला सकते हैं, हैं? बदला सकते हैं। इसलिए इन्होंने बोले बाबा थोड़ा आशीर्वाद कर, घर में एक औलाद हो जाए। तो बाबा के आशीर्वाद से घर में एक बेटा जन्म हुई, लेकिन बेटा तो जन्म हुई, लेकिन जब थोड़ी सी बड़ी हुई ना, वो बेटा किडनैप हो गया, किसी गुंडों ने उसको उठा करके ले गए पैसा लोभ से। फिर जब साधु आए, बोले महाराज ठीक ठाक है ना? बोले क्या ठीक ठाक है, आपका आशीर्वाद से हमें तो एक औलाद की मिली, लेकिन पता नहीं बचपन से उसको किसी ने उठा करके ले गया। फिर संत ने देखा वो कहाँ गया बच्चा, देखा तो अपना दिव्य दृष्टि से देखा, बोले महाराज अब का बेटा ठीक ठाक है, अभी सुरक्षित है। बोले कहाँ पर बताओ, अभी ले आता हूँ। बोले बीच में एक गड़बड़ी हो गई। बोले क्या गड़बड़ी हो गई? बोले बच्चे को जिसने उठा करके ले गए ना, वो बच्चा था उसी समय में, अभी तो बड़ा हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं हम ही तेरे पिता माता हैं, और एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, कभी यही तेरा घर है, वो भूल गया अपने घर को, इसलिए अगर लाओगे ना आपको मानना, वो मानेगा नहीं आपको। बोले फिर, बोले अगर आप बोलोगे बच्चे को मैं समझाऊं, अगर वो समझ जाएगा बच्चे को ला, फिर बच्चा तुमको मानेगा। बोले बाबा आपको तो बड़ी कृपा होगी। वो संत गए, देखा वो छोटे बच्चे को बुला, बोले इधर आ बेटा। बोले तेरे घर कहाँ है? वो छोटी सी झोपड़ी था ना, बोले मेरे घर है। बोले तेरे पिता माता कौन है? जो गुंडे थे ना, डाकू थे। बोले ये तेरे मेरे पिता माता है। संत ने कहा देख बेटा, ये तेरी घर भी नहीं, ये तेरे कोई पिता माता भी नहीं। बोला आप क्या बोल रहे हो,
हमने बचपन से यही देखते आ रहा हूँ, बोले इसलिए तो बोल रहा हूँ, ये देश का जो राजा रानी है ना, ये तेरे पिता माता है। एक दिन ये देश का तू राजा बनने वाला है, तेरे जो घर है ना वो राज महल तेरा घर है। बोले फिर? बोले जब तुमने छोटा बच्चा था, ये गुंडों ने तेरे को किडनैप करके लाए हैं। और एक चीज समझ, तू कई राजा रानी के बच्चे हो, क्या देखना पिता माता की चेहरा में बच्चों का चेहरा मिलता है कि नहीं? हम कभी कहते हैं ना ये बच्चे में देखो माँ की चेहरा आई, हम कभी कभी ना देखो ये बच्चे को उसका पिता का चेहरा आया। अब देखना कभी कभी पिता माता का दोनों मिला हुआ चेहरा बच्चे में आता है, आता कि नहीं बच्चों को? इसलिए बोले देख तेरे पिता माता को देख, जो राजा रानी को साथ में तुम्हारी चेहरा को मिला, तू कितने लंबे चौड़े गोरे कितने सुंदर है। और ये गुंडो जिसको तुम पिता माता कह रहे हो, उनका चेहरा से मिला कोई चेहरा मिलता है? लेकिन अभी तक तो उसने कभी सोचा ही नहीं। बोले आप तो सही बता रहे हो, इनको साथ में मेरा तो कोई चेहरा नहीं मिल रहा है, मेरा चेहरा तो राजा रानी से मिलता है। बोले इसलिए तो बोल रहा हूँ, ये देश का एक दिन तू राजा बनने वाले, राज महल में रहने वाले, रोज रोज तेरे को छापन्न भोग और 36 व्यंजन तुमको मिलने वाला, लेकिन तेरे नसीब में यहाँ पर सूखी रोटी भी नहीं मिल रहा है। घर में जाओगे? आप लोग भी घर में जाओगे? जाओगे असली घर में? बोले आपका तो बड़ी आशीर्वाद होगा, बड़ी कृपा होगी, हैं? बोले ठीक है, अभी मैं राजा को जाकर समझाता हूँ। अभी उन्होंने जाकर राजा को बोल दिए, तेरे बच्चे को हमने समझा दिया है, जाओ वहाँ से तेरे बच्चे को ले आओ। राजा पूरा चारों तरफ में सैन्य सामंत लेकर घेराव किया, जितने गुंडे थे उनको मार मार कर जेल में बंद किया और अपना बच्चे को वापस लाए। जब लाए देखा राज महल उसकी घर, राजा रानी देश का राजा रानी उसको पिता माता, एक दिन देश का राजा वही है, और रोज छापन भोग 36 व्यंजन खाने वाले, हे घर में आया ना माला इमाल, एकदम राजा ही बन गया। देखो क्यों सत्संग की इतने महिमा बताए, ये जो कथा है ना ये हमारी जीवन की कथा है, हमारी ये जीवन की कथा। हम लोग कौन है जानते हो? तुम लोग कौन हो? इसलिए वेद कहता है अमृतस्य पुत्रा, वेद कहता है हम साधारण घर के बच्चे नहीं, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन मम इबांस जीव लोके जीव भूत सनातन, जगत में जितने जीव सब मेरे औलाद हैं। इसलिए हम कहते ना तुमैव माता च पिता, तुमैव तुमैव बंधुश्च सखा, तुमैव तुमैव विद्या, बोलो जोर से द्रविण, तुमैव तुमैव सर्वम। हम कहते ना ठाकुर ही हमारा पिता भाई बंधु, ठाकुर ही हैं सब, ठाकुर ही हमारे संत, हम उनकी बच्चे हैं। लेकिन हम सबके सब किडनैप हुए, हम सबके सब किडनैप हुए हैं। मानते हो किडनैप हुए हो? मान रहे कि नहीं सब किडनैप हुए हैं? हम सबके सब किडनैप हुए हैं सब, क्योंकि हमारी असली घर यहाँ नहीं। बोले नहीं, हमने तो ये घर को बनाने के लिए इतना पैसा हमने लगाया है, हमारे पास में सारी कागज पत्र हमारे पास में, ये घर का हम तो मालिक हम बोलेंगे ना, लेकिन कब तक मालिक? जब तक शरीर, उसके बाद में एक घर नहीं, हर जीवन में हम नए नए घर बना रहे, फिर नए नए घर को छोड़ रहे, फिर दूसरे जीवन में फिर बना रहे, फिर छोड़ रहे, अनादिकाल से पकड़ रहे और छोड़ रहे, पकड़ रहे और छोड़ रहे। बोले भैया कब तक पकड़ोगे, कब तक छोड़ोगे? बोले जब तक अपना घर में नहीं पहुंच जाते हो, जब तक अपना घर में नहीं पहुंच जाते हो तब तक ये पकड़ना छोड़ना होएगा, लेकिन जब असली घर में पहुंच जाओगे ना फिर छोड़ना नहीं होगा। तो फिर असली घर कहाँ पर है? ठाकुर जी के चरण में, ठाकुर जी की चरण में। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन कहते, अर्जुन कहते अब्रह्म भुवन लोकात् पुनरा प्रति न अर्जुन माम उपस्तुतु कौन्तेय पुनर्जन्म न बीतत। हे अर्जुन अगर पुण्य कर्म करके ब्रह्मलोक तक भी जाओगे फिर पुण्य खत्म होते यहीं पर जाओगे, लेकिन एक बार अगर तुम मेरे को प्राप्त कर लोगे ना फिर जगत में पुनर्जन्म तुम्हारी खत्म, जगत में आवागमन तुम्हारी खत्म हो जाएगी जब तक तू अपना घर में नहीं आ पाओगे हैं। इसलिए ये सत्संग से क्या होता है, हमें ये जैसे साधु आकर उसको बताया ये तेरे घर नहीं, ये तेरे पिता माता नहीं, ये तुम्हारे रहने का स्थान नहीं, तुम तो कहाँ राजा बनने वाले हो, देश का तो राजा बनने वाले हो हैं। इसलिए साधु संघ की महिमा, इसलिए
सचमुच से वो हमारा अपना असली परिचय वो देते हैं, कहते बेटा अपना घर में वापस चल, अपना घर में वापस चल, वहीं पर ही शांति सुख में यही मिलेगा। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन न जत्र रोग, जहाँ पर रोग नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जहाँ पर कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई बूढ़ी नहीं होगा, वहाँ पर चिर कुमार रहोगे, हर समय एकदम जवानी बनकर के रहोगे, हैं। इसलिए वो भगवान की ये धाम है, ठीक है ना। अभी प्रश्न है फिर अपना घर में कैसे जाओगे, अभी अपना घर में हम असली रूप में अपना घर में कैसे पहुँचेंगे। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन उत्तर देता है। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हो, इधर सुना सब, अगर आप अमेरिका जाना चाहते हो आपके पास में कितने चीज होनी चाहिए जो अमेरिका जा सकते हो। कौन बोलेगा हाथ, हाँ बोलो बोलो, हाँ और भैया एकदम सही बात कर रही, इनके लिए ताली हो जाएंगे। इसलिए देखो ये साधारण देश है तो अमेरिका थोड़ा दूर है। जैसे अगर रशिया जाना चाहते हो, हैं, कहीं अगर बंगाल पूर्व बंगाल जाना चाहते हो, दो चार घंटा का रास्ता है, लेकिन वहाँ के लिए भी तुम्हारे पास में कितना चीज़ होनी चाहिए, तीन चीज़ होनी चाहिए तभी वहाँ पर जा सकते हो, साधारण एक जगह से दूसरे जगह। उसी तरह अगर हम भी भगवान को पास में जाना चाहते हैं ना, इसलिए हमारे पास में भी तीन चीज़ की ज़रूरत है। बोलो वो तीन चीज़ क्या है। पहला नंबर है पासपोर्ट। कहते ये पासपोर्ट क्या चीज़ है, ये पासपोर्ट क्या चीज़ है। कहते गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए, तुलसी की कंठी होनी। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भागवत में पढ़ी, ये जम स्वयं उनको दूतों को कह रहे हैं। नहीं, नियम है, जैसे बोलोगे तुम बोलोगे अगर मेरे पास में पासपोर्ट नहीं होगा तो मैं क्या अमेरिका नहीं जा सकता हूँ। हाँ नहीं, जो भगवान कहते हैं उसको तुम्हें अपनाना पड़ेगा, अपना बात से नहीं चलेगा, शास्त्र जो कहते हैं हमें उसको अपनाना पड़ेगा। देखो हम ये बात नहीं बता रहा हूँ, ये जम महाराज ये अपना दूतों को, देखो ये श्लोक है, देखो बोले ललाटे तिलकम नास्ति कंठ नास्ति त्रिकंठिका, ये जम स्वयं कह रहे अपना दूत को कह रही ये बात। हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जम स्वयं कह रहे। अगर भगवान को पास में जाना चाहते तो क्या करना, तुम्हारे पास में तीन चीज होनी चाहिए। गले में तुलसी की कंठी जरूर धारण करनी चाहिए, तुलसी कंठी की बड़ा महत्व है। अभी तुम्हारे देश में, हमारे जो देश में, जब घर में पहले बहू आती थी ना, जब तक उसको गले में तुलसी कंठी नहीं पहनाया करते थे, घर की पानी नहीं पीते थे उसको हाथ से। बोले सबसे पहले उसको ले जाओ गुरु जी के पास में, उसको गले में, दूसरी घर की ये बेटी है, पहले इसको गले में तुलसी कंठी पहनाओ, फिर घर में पानी उसकी चलेगी। क्योंकि पहले हर हिंदू घर में ठाकुर होते थे, ठाकुर को सेवा पूजा होती थी। अब देखना ठाकुर जी को जितने कुछ भोग लगाओ, 56 भोग 36 व्यंजन, बिना तुलसी प्रभु एक नाही मानी। भले ही जितने दे दो, जब तक उसमें तुलसी दल नहीं देते हो ना, तब तक ठाकुर जी वो चीज को ग्रहण नहीं करते हैं, है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहते जो शरीर ना हमारी, कहते खिति जल पाप का गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। गोस्वामी जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं ये शरीर अधम शरीर है। अब सवेरे उठ करके देखना, मुंह से बदबू, आंखों से बदबू, नाक से बदबू, नीचे से तो बदबू निकलती है। आप ब्यूटी पार्लर में जाओ, सदभज करके आओ, धूप में 10 मिनट के लिए चले जाओ, शरीर से पसीना से बदबू, सारे के सारे बदबू, अंदर में क्या टाटी पेशाब खून पिकाऊ किया है, कुछ है ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं पंच रचित तो ये अधम शरीर, ये अधम शरीर है, ये टाटी पेशाब का थली कुछ है ही नहीं इसमें, लेकिन ये अधम तो शरीर है। लेकिन जैसे दाल भात चावल में तुलसी देने पर वो ठाकुर जी का अर्पित हो जाते हैं, जब गले में तुलसी कंठी पहन लिया ना, ये शरीर तुम्हारी नहीं रह गई, ये ठाकुर के चरण में अर्पित हो गया। आज तो नियम तो करना पड़ेगा, हम कौन सा नियम नहीं पालन कर सकते, सारे नियम का पालन कर सकते हो, है।
नहीं ऐसे पवित्र वाणी आती है, तो आप बिना नहाए धोए जैसे तुलसी जी को जल नहीं चढ़ा सकते, तो आप तुलसा महाराज में धारण नहीं कर सकते अगर आप गृहस्थ जीवन में हो। ये कहाँ पर बताया, कोई शास्त्र में बताया गया? हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया। ये की गलत, देखो शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, खुद लिखा हुआ है। देखो सुना, आप कुछ सुन लो फिर बाद में मेरे को उत्तर देना, ठीक है? गृहस्थ नहीं करना। जो तुलसी माला है ना, ये इतने पवित्रता, ये तुलसी कंठी की, जब गले में हम तुलसी कंठी पहन लेते हैं गले में, कभी इतने पवित्रता, इस शरीर अपवित्र होने पर भी ये हमें पवित्र बना करके रखेगी। ये इतने घटिया चीज़ नहीं जो कि तुम्हारी शरीर से अपवित्र हो गई, नहीं तो कोई मर गया और ये तुलसी स्वयं अपवित्र हो गया है। ये इतने घटिया चीज़ नहीं है, ये इसमें इतने पवित्र वस्तु है। अगर हम अपवित्र रहने पर भी गले में अगर तुलसी कंठी है तुम्हारी, ये तुमको पवित्र बना के रखेगी। इतने महिमा तुलसी कंठी की है। ये तुलसी को साधारण कोई पेड़ मत समझो है। अभी जैसे कोरोना आई ना, अभी जैसे कोरोना आई है, ये तुलसी पत्ते से ही कोरोना की मेडिसिन बन रहा है। तुलसी पत्ता दो दो तीन तीन खाओ, कोरोना कभी तुमको नहीं होगी, कैंसर कभी तुमको नहीं होगी। एक दुकान से एक तुलसी पावर खरीदी करना है, तुलसी पावर खरीदी करना, उसको पढ़ करके खुद पढ़ो, उसमें कहते 200 बीमारी की मेडिसिन ये तुलसी पिक्चर में। अब तो हिंदू है, देखना सालग्राम के साथ में तुलसी की शादी होती है, क्यों? ये लक्ष्मी है, हैं? अगर गले में तुलसी कैठी है ना, तुम्हारी गले में माँ लक्ष्मी की निवास करती है, लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। ये जम स्वयं कहते हैं, जिनको गले में तुलसी कैठी देखोगे समझ जाना ठाकुर का आश्रय लिया। देखना किसी गले में कंठी देख लो पता चल भाई भगत आदमी, बोलते ना ये भगत आदमी, गले में कंठी भाई नहीं। इसलिए पहला नंबर क्या है, पासपोर्ट तुम्हारी होनी चाहिए, गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए। देखो हम तो हिंदू है, हैं, हम तो हिंदू है। देखो ये अंग्रेजी नहीं बैठी, ये रसिया से आई, जो गले में देखो तुलसी कंठी भाई, ये तुलसी कंठी भाई नहीं है। हम तो हिंदू है, हमारी पहले से संस्कार पिता माता से कहते ना बुजुर्ग से हम सुनते सुनते आए। लेकिन ये लोग जब तक साइंटिफिक रूप में कोई चीज़ को प्रूव नहीं करते तब तक ये लोग ग्रहण करने वाले नहीं, उसको प्रूव करते हैं तभी ग्रहण करते हैं। ये ऐसे ये लोग कहीं वृंदावन गए हो? कौन कौन गए वृंदावन, हाथ उठाओ। नहीं गए वृंदावन, गए वहाँ पर अंग्रेजी मंदिर में जाकर देखना, गए थी ना, देखना कहाँ अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, विदेश का लोगों को देखो, हैं, दिल्ली में भी है इस्कॉन टेम्पल, देखना कहाँ अंग्रेजी नहीं होकर के गले में ये तुलसी की कंठी धारण करते, अंग्रेजी लोग धारण करते। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं अंग्रेजियों को फॉलो कर रहे हैं, अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वो लोग देखना वृंदावन में आकर छोटी गला में कट्टी तिलक लगा करके हरी बोल कर रहे हैं सबके साथ, हैं, हरी बोल प्रभु का भजन कर रहे हैं वो लोग। इनके देश में जान तो क्या कर रहे हैं, इनके देश में सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, ये लड़कियां हम क्यों साड़ी पहन कर कॉलेज को नहीं जा सकते, इनके देश में लड़ रहे हैं, केस कर दिया सरकार के ऊपर, हम साड़ी पहन करके जाएंगे। लेकिन भारत में कहते हम जीन्स पहन करके क्यों कॉलेज नहीं जाएंगे, मतलब कितने बदलाव देखो। वो कहाँ नफरत होकर के अपना संस्कृति से हमारी संस्कृति का तरफ में धीरे धीरे आ रहे हैं। कहते अगर शांति सुख है ना, ये भारतीय संस्कृति में है, भारतीय संस्कृति में। अभी जिस चीज़ को हम भोग करना चाह रहे हैं ना, ऑलरेडी इन लोगों ने भोग करके थूक करके फेंक करके इस तरफ में आए, ये लोग ऐसे नहीं आ गए, सारे चीज़ को भोग करके देख लिया भैया शांति सुख ठाकुर जी की भजन में, ठाकुर जी के कीर्तन में ही है और किसी में नहीं। तभी ये लोग वृंदावन में आकर के भगवान की भजन, भगवान की भक्ति और भगवान की नाम को जप कर रहे हैं। इसलिए कहते पहला नंबर क्या है, पासपोर्ट। कहते दूसरा नंबर क्या है, वीजा। बोले वीजा क्या है, बोले ये तिलक है, वीजा, ये तिलक को ये वीजा बताया है, हैं? इसलिए तिलक होनी चाहिए ललाट में। जैसे आप लोग जैसे मांग भरती है ना, सिंदूर लगाती हो, मांग जैसे भरती हो, हैं? इसलिए कहते ये तिलक। और जो तीसरा चीज है कहते टिकट, कि टिकट क्या है, बोले भगवान का नाम ही ये टिकट है। देखना भारत में जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा यही बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो करते हैं सब कोई बात झूठा, ये बोलते हैं ना, यही बोल सुने कि नहीं बोलते। इसका मतलब क्या, जीवन में जितने भगवान के नाम जप किया ठाकुर में साथ में वही जा रहे, और जगत में सबके सब झूठा है। इसलिए कहते भगवान की नाम को जप करनी चाहिए, है भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय दिया है ठाकुर जी,
क्या दिया? बोले ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, ज्यादा कोई कष्ट करने का जरूरत नहीं, हाथ में जो कुछ कर ठाकुर का सेवा मान कर करो। अपना घर को क्या समझो? भगवान की मंदिर समझो, ये घर को अपना मंदिर समझो। अगर झाड़ू लगाते हो, कहाँ पर झाड़ू लगा रहे हो? बोले ठाकुर जी की मंदिर में ही हम झाड़ू लगा रहे हैं। रसोई बना रहे हो, किसके लिए रसोई बना रहे हो? भगवान की भोग लगेगा, ठाकुर जी की भोग लगेगा, इसलिए हम घर में रसोई बनाते हैं। बच्चे को प्यार दो, बच्चे किसने दिया था? बच्चा ठाकुर ने, ये बच्चे ठाकुर ने दिए है, ठाकुर जी के बच्चे है ठाकुर जी के। इसलिए हर काम करो, लेकिन भगवान की भक्ति को साथ में अगर जोड़ करे करोगे ना, फिर तो सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। अगर भगवान के छोड़ करे करोगे तो सब बेकार है, हैं? इसलिए क्या करो, भगवान को साथ में जोड़ करके हर काम को करनी चाहिए, तब के सबके सब सार्थकता है। इसलिए भगवान के नाम की जप करो। हनुमान जी का नाम सुने कि नहीं? सुने है ना? हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं? कहते ना रघुपति राघव, तो ब्रह्मचारी थे। है क्या भगवान के नाम करने के लिए क्या गृहस्थ भगवान का नाम नहीं कर सकते? करते हैं, लेकिन है जितना हो सके उतना तो करनी चाहिए ना। हाँ उतना, हाँ। इसलिए देखो, अब भागवत सुनी होगी ना? कहीं भागवत सुनी होगी ना? नहीं, कभी नहीं सुनी भागवत? एकदम सुनी नहीं भागवत में देखना, जितने सब नाम आता है ना, सब गृहस्थों का नाम। जैसे अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे, ध्रुव महाराज गृहस्थ थे, प्रहलाद महाराज गृहस्थ थे, सबसे बड़े गोपियाँ गृहस्थ थे, भरत महाराज गृहस्थ थे। भागवत में जितने सब कथा सुनोगे ना, सब सुदामा, सुदामा का नाम सुने होंगे, वो भी गृहस्थ थे, वो भी सबके सब ये गृहस्थ थे, कोई त्यागी नहीं थे, सबके सब ये गृहस्थ ही थे। भागवत में अर्जुन को कृष्ण गीता की उपदेश दिया, विदुर जी गृहस्थ थे, ठाकुर जी सुघर में हाँ केलका छिलका का गृहस्थ थे ना, गृहस्थ ही थे। और जैसे गीता है, भगवान कृष्ण गीता किसको सुनाया? अर्जुन को। आप बताओ गृहस्थ अर्जुन थे ना त्यागी थे? बोलो कौन थे? गृहस्थ। संत लोग तो, त्यागी लोग तो बहुत कम मिलेंगे तुमको, भक्त में ज्यादा मिलेंगे, गृहस्थ ही मिलेंगे ज्यादा, वो सबके सब गृहस्थ ही मिलेंगे। साधु तो इणे गिणे कहीं, इणे गिणे कहीं मिलेंगे साधु जो त्यागी है, लेकिन अक्सर करके देखोगे सबके सब ये गृहस्थ ही थे। इसलिए जितने गीता भागवत पुराण है किसके लिए? ये त्यागियों के लिए नहीं है, सबके सब गृहस्थों के लिए सबके सब है। इसलिए सब कुछ करो, लेकिन भगवान की भक्ति को साथ में जोड़ कर करो, भगवान को छोड़ करके नहीं, सबके सब ठाकुर जी को जोड़ कर चलो, बस आनंद ही आनंद है। इसलिए हमारे शास्त्र कहता है, जिस घर में भगवान की कीर्तन कथा पूजा पाठ हो ना, वो घर नहीं, वो भगवान का धाम ही है, वही भगवान की वृंदावन धाम है। घर में अगर बच्चे लोग भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, घर में ठाकुर जी को पूजा पाठ होता है, वही घर नहीं, वो भगवान का धाम ही वृंदावन धाम है। इसलिए किसी स्थिति में रहो, जिस अवस्था में ठाकुर रहे उसी स्थिति में रहो, लेकिन उसी स्थिति में रहते हुए क्या करो, भगवान की भजन करते हुए रहो, ठाकुर जी की भक्ति करते हुए रहोगे तो एकदम फलते फूलते रहोगे, हर तरह से ठाकुर जी की आशीर्वाद है, सबके सब फलते फूलते हुए रहोगे, ठीक है ना। अब विशेष कर कलयुग में जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, जानते हो हरे कृष्ण महामंत्र? बोलो तो नहीं, जैसे हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते ये कलयुग का ये महामंत्र है। देखो ये हरे मतलब होता है जो हमारे दुख कष्ट को हर ले, इसलिए उन हरी कहते ना, हरी मतलब होता है हमारे दुख कष्ट को जो हर ले। कृष्णा, कृष्ण मतलब क्या, हमारे मन चंचल है, भटकता है इधर उधर, हैं इधर उधर भटकता है, लेकिन अगर कृष्ण नाम लोगे ना, मन इधर उधर तुम्हारा नहीं भटकता। जिन बच्चों का पढ़ाई भी सही नहीं होता है, उनको एक माला करवाया देखना, उसका मन भी इधर उधर नहीं भटकेगा। तुलसी जी की माला पहना, पहनो नहीं तो भगवान के नाम जप करो, ठाकुर जी के नाम की जप करो, बारे में बता रहा है। इसलिए और राम मतलब होता है जीवन में जो आराम देते हैं, अगर भगवान के नाम जप करोगे ना, तीन चीज मिलेगा, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे मतलब सब दुख दूर होगा, कृष्ण मतलब तुम्हारी जो भटकता हुआ मन भटकेगा नहीं, और राम मतलब होता है जीवन में जो आराम दे, जीवन में सुख शांति दे। ये हरे कृष्ण महामंत्र में इतने शक्ति है, इसलिए आप भी
भगवान का नाम जप करो, बच्चों को भी भगवान की नाम जप करवाए। देखना बच्चे अगर नाम जप करेंगे ना, बड़े संस्कारी बनेंगे हैं, और पढ़ाई में भी अच्छा अच्छा पढ़ाई करेंगे बच्चे लोग, जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, देखना उनका मन भी प्रभु का नाम जप करेंगे ना, अपने आप पढ़ाई में इनके मन लगेगी हैं। इसलिए बच्चे खुद भी भजन करो, बच्चों को भी अच्छे संस्कार डालो। जैसे जैसे मुसलमान का बच्चे देखो, उनको शुक्रवार का दिन उनको लेकर के नमाज पढ़वाते, पूरा मेन रोड में बैठा देते, बैठा करके नमाज पढ़ते ना मुसलमान बच्चे। किसी मुसलमान बच्चों को कुरान पूछो, झटाझट बोलेगा, एकदम झटाझट बोलेगा है, क्योंकि उनको बचपन में उस संस्कार को बच्चों को देते हैं। इसलिए हमें भी बचपन से बच्चों को अच्छी संस्कार देनी चाहिए, जिससे बच्चे बड़े बन करके संस्कारी बने और क्या करें, पिता माता की सेवा करें, पिता माता को आदर दें। ठीक है, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय, जय श्री राधे। इसलिए सबके सब भगवान का नाम जप करना, ठीक है ना? तुम लोग करते कि नहीं, सबके सब नाम करती हो? और कौन कौन करते हैं?